हर बच्चा जो भी अपने संवाद बोल रहा है वो बोलने के बाद माइक वही दे दें फील्ड में ही चली जाएगी, कोई भी रोकेगा नहीं, पूरी टीम प्रदर्शन करते हुए निकलती चली जाएगी और आगे अपने लाइन में खड़ी हो जाएगी। चलिए न ये देखिए स्काउट गार्ड यानी रैली में आज महुआ में जनपद स्तरीय हुई है। इसमें आज विभिन्न प्रकार की यानी झांकियां बच्चों के द्वारा स्काउट और गाइड के द्वारा निकाली जा रही हैं और अपना प्रदर्शन करते हुए ये आगे निकल रहे हैं सारे बच्चे। देखिए और एक संदेश दे रहे हैं कि आखिर इन झांकियों का क्या उद्देश्य है। वाहन के अधिक गति होने के कारण दुर्घटना की संभावना अधिक होती है, हेलमेट का ये गांव यही है ने अपनी पत्नियों को मारते हैं। बड़े लड़ैया महोबा वाले इनकी मार सही ना जाए, एक को मारे भैया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी का नाम मारो, बेटी हमारी शान है, बेटी हमारा मान है। अबे अस्पताल लगवा जाए तो दारू पीने का सही नतीजा, एक गाड़ी चला रहे थे दारू पी के तभी इनका एक्सीडेंट हो गया और घटना स्थल के लोगों ने इनको पुलिस को फोन लगा करके इनको प्राथमिक चिकित्सा के लिए भर्ती कराया गया है जिसमें इनको प्राथमिक चिकित्सा में ले जा रहे हैं। मैं आप लोगों को वृक्षारोपण के बारे में बताना जा रहा हूँ। मैं जो गलती है मुझे माफ करना। आज के समय में वृक्षों का बहुत महत्व है क्योंकि हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन बहुत ही महत्व है। आपके समय पेड़ आपको बताना चाहता हूँ, पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी आवश्यकता है। ये मेरे घर के सामने कचरा किसने फैला दिया, अभी मैं सफाई कर्मियों की वाट लगाता हूँ। हेलो सफाई कर्मी आप किधर हो? Thank you.
इस तरह वैसा देख राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर नशा मुक्ति अभियान वाशन बोध हिंद स्वराज पार्टी वृद्धा आश्रम लिए जा रही है। तो अपनी माँ को वृद्धा आश्रम क्यों ले जा रहे हो? क्योंकि ये गरमा बेटे बड़े लड़ैया इनकी मार सही ना जा हमारे दी मर जावे दी का पाप खाए मर जाए पूजन दल पूजन दल मानव विद्यालय सालक पूजन दल क्या करके अब लग जाए पीछे। ये हमारे निर्णायक मंडल के झांकियों के यानी मेंबर्स और इस तरह से जो अंक दे रहे हैं हाथ ऊपर ताली बजा। कोई भी इस कॉन्वेंट की जाएंगे नहीं, आपको यहीं पे खड़े रहना है। जैसे की मतलब कछु भी सम्मानित करें तू जाना ठीक है फिर वो यही सजा। और ध्वज अलंकरण के लिए मैं अनुरोध करूंगा श्री के दिनकर जी जो वरिष्ठ स्काउट मास्टर विशिष्ट अतिथि महोदय का ध्वज अलंकरण कर उनका स्वागत करें। आदरणीय श्रीमती सरगम खरे जी का ध्वज अलंकरण के लिए मैं अनुरोध करूंगा संगीता मिश्रा जी से कि उनका ध्वज अलंकरण कर उनका स्वागत करने का कष्ट करें। स्वागत की अगली कड़ी में एक साथ ताली बजा। टीम लीडर एवं उनके स्काउट मास्टर दोनों आए और माननीय मुख्य अतिथि एवं रैली अध्यक्ष महोदय द्वारा उनके कर कमलों से प्रथम स्थान की ताली बजा। एक सर और निवेदन है गाइड में भी आप अपने कर कमलों द्वारा करने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महोबा नगर सीनियर क्षेत्र प्रथम स्थान उनके टीम लीडर ताली बजा।